तो क्या हाल है भाइयों के? गाइस आज मैं आ गया हूँ अपनी गाड़ी को देखने के लिए। कम से कम 7-8 दिन हो गए हैं। इसका कवर भी देखो भाई, कितना ही गंदा हो रहा है वहाँ पे। तो भाई गाड़ी की हालत इतनी गंदी हो गई है ना कि अभी इसको धुलवाने का टाइम आ गया है। वैसे भी मैंने इसको आज तक वॉशिंग सेंटर पर सिर्फ एक बार धुलवाया है, जब हम लोग सोनिया की शादी में गए थे, उसका भी ब्लॉग आपने देखा होगा। बाकी गाड़ी देखो भाई, पता नहीं चल रहा है कि ब्लैक कलर है, बहुत ज़्यादा गंदी है इस टाइम पे। और एक दुविधा और है कि यहाँ पे जगह नहीं है निकलने की। ये कोई एक गाड़ी वाला है जो अपनी गाड़ी बीच में लगा गया, तो अभी उसको पहले बुलाएंगे ड्राइवर को, वो अपनी गाड़ी हटाएगा, उसके बाद हम अपनी गाड़ी को यहाँ से निकालते हैं। छोटे मोटे काम है वो सब करेंगे कंप्लीट, और आज का दिन शुरू करते हैं। चलो तो भाई, हम लोग निकल चुके हैं, गाना बंद करो। अभी अपन निकल तो चुके हैं भाई यहाँ से रोड पर। पहले जाते हैं गाड़ी को वॉश करवाने, बहुत ज़्यादा गंदी है तो इस वजह से जो है इसको वॉशिंग की ज़रूरत है। खुद से मैं कर सकता था लेकिन इतने एफर्ट्स करेगा कौन, क्योंकि ज़्यादा गंदी है ना, तो ये पूरी शैम्पू वैम्पू से धुलेगी अब अच्छे से। तो भाई एक बार गाड़ी चमका लेंगे तो ज़्यादा अच्छी बात है। और एक SBI में मेरे को काम था अपने बैंक में, तो वहाँ का देखता हूँ मैं जाऊँगा या नहीं जाऊँगा। उसके बाद भाई 2-3 काम हो रहे हैं, तो जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा आपको बताता रहूँगा। तो भाई हम लोग आ गए अपने वॉशिंग सेंटर पे। ये नया वाला वॉशिंग सेंटर है एक्चुअली, मेरे को अंकित ने दिखाया था, उसकी सेल्टॉस यहीं पे धुली थी, तो ये मुझे पहले वाले से बेटर लगा जहाँ मैं पहले धुलवाता था गाड़ियाँ। और इनके प्राइस भी सही है। प्राइस अगर आपको देखना है तो ये देख लो, गाड़ी के हिसाब से प्राइस है कौन सी गाड़ी के कौन सी है। तो मेरी भाई SUV है, तो SUV के प्राइस 300 रुपये, तो मेरी 300 रुपये में पॉलिश हो जाएगी। वैसे तो कहते कि आपकी फुल साइज़ SUV में काउंट होगी, बट ठीक है, इसका साइज़ छोटा था इस वजह से बच जाते हैं अपन। बाकी यहाँ पे पेंट वगैरह भी होता है, वो पेंटिंग के बेस वहाँ पर है, धुलाई के बेस यहाँ पर है। तो ठीक है, बस अपनी गाड़ी धुल जाए एक बार, फिर आपसे मिलता आगे। मुझे अभी थार का नुकसान हुआ हुआ है, ये यहाँ से टूट गया था, तो पानी ना जाए और इस वजह से हमारी जो है टेल लाइट ख़राब ना हो, इस वजह से हमने यहाँ पे इसकी मास्किंग कर दी है। ये टेप लग गई अपनी इस पर, तो पानी जाएगा तो इससे दिक्कत नहीं होगी। बाकी ये वाली तो ठीक है। वो वाली यार गाड़ी पता नहीं किसने ठोकी है, मेरी दिल्ली में ठोकी है या फिर यहीं पे घर पे आके, पता नहीं। ये नुकसान हो गया है, जल्दी इसमें मॉडिफिकेशन का काम कराएंगे तो ये धुलेगा जब। इसमें मॉडिफिकेशन भाई करानी तो है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ क्या क्या कराऊँ। बाकी एक चीज़ तो मैं ऐसी कराऊँगा जो आपने किसी भी थार में आज तक देखी नहीं होगी, वो चीज़ जो है भाई प्रोसेस में चल रही है। देखो मैंने जो है बोला है मॉडिफिकेशन वालों से, बात करी है, वो भी इस पर अभी रिसर्च करेंगे कि वो कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, वो मेरे को बताएंगे। उन्होंने जो है टाइम मांगा है कि भैया आप हमें थोड़ा सा टाइम दो, हम देखते हैं कि वो काम हो सकता है या नहीं। तो अगर वो हो गया तो भाई वन इन इंडिया हो जाएगी हमारी गाड़ी, इकलौती है पूरे भारत देश में जिस पर वो काम हुआ होगा। बाकी तो छोटे मोटे मॉडिफिकेशन तो कराते रहेंगे, थोड़ी देर टाइम में कराएंगे बस। पहले मैं सोचा था इसके कवर भी चेंज कराने के, लेकिन भाई जो इसके कवर है ना ये वाले, कंफर्ट लेवल बहुत सही है। तो अभी मैं सोच रहा हूँ जब तक चल रहे हैं बढ़िया है, इसी को चला के रखते हैं, जो अपन को दिया कंपनी ने बढ़िया दे रखे भाई, मस्त एकदम ठोस है। और ये इसके मैट्स, ये मैट्स मैंने आफ्टर मार्केट लिए थे, काफ़ी महंगे पड़े थे, लेकिन इसका जो है मज़ा नहीं आ रहा है। जो ये ड्राइवर साइड वाला है ना भाई, इसमें दिक्कत क्या है कि लॉक सिर्फ यहाँ पर है और आगे की तरफ जो है फिर ये निकलता है, ये ऐसे अड़ता है मेरे पैर में जब मैं क्लच दबाता हूँ, तो इस वजह से फट रहा है। तो ये भी चेंज कराना पड़ेगा बहुत जल्द हम लोगों को, देखते हैं कब चेंज कराएंगे, अभी तो मन नहीं है, जब तक चल रहे हैं चल रहे हैं, उसके बाद देखते हैं भाई। वो देखो भाई कहाँ टंग गई है अपनी गाड़ी, गाड़ी बढ़िया लग रही है ना। तो भाई अभी अपन शेड में आ गए हैं अपनी पर्सनल वाले में, ये देखो जैकेट ऐसे ओढ़ रखी है भाई, बहुत तेज धूप लग रही है यार इस टाइम पे, मतलब ऐसे परेशान कर रखी ना धूप ने भाई, गर्मी लग रही थी तो मैंने जैकेट भी उतार दी, और अब जो है फिर भी गर्मी लग रही है, तो मैंने सोचा कि भाई इसको ऐसा शेड बना लेते हैं ताकि थोड़ी देर तो सुकून से बैठे रहें। बाकी ठीक है, गाड़ी धुल तो चुकी है हमारी, देखो भाई गाड़ी तो धुल चुकी है, अब इसके बाद यहाँ पर कपड़ा मारेंगे, देन अंदर से इंटीरियर क्लीन करेंगे, तो लगेगा अभी आधा पौन घंटा और। लेकिन यार जगह अच्छी है, ये पता है साफ़ सुथरी जगह है और बड़ी जगह है, कितनी भी गाड़ियाँ ले आओ यहाँ पे खड़ी कर लो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और सभी जो है गाड़ियों का प्राइस जो है
उसके टाइप के पर टाइप के ऊपर है कि अगर आपके SUV है, डबल SUV है, मिड SUV है, जैसी भी है उसके बेसिस पे प्राइस लेते हैं। और काम भी अच्छा करते हैं यार, बस यहाँ पे यार स्प्रे वाले नहीं लगाते। स्प्रे वाला अगर ये जो है सिस्टम करते ना तो ज़्यादा अच्छी बात है भाई। अब देखो कितनी सुंदर लग रही है, बिल्कुल नई नवेली। साफ सुथरी गाड़ी देख के मज़ा सा तो आता है। तो भाई गाड़ी में बैठ चुके हैं अपन, अब जो है निकलना है अपने को, चाबी तो निकाल लो भाई। अब अपने को जाना पड़ेगा वापस घर, जो काम थे वो करेंगे बाद में, पहले जो है जो हमारे रिलेटिव्स आए हैं उनसे मिलते हैं, उसके बाद देखते हैं टाइम बचा तो जाएंगे वरना ब्लॉग वहीं एंड कर देंगे। चलो भाई मिलते हैं फिर बाद में। तो भाई अपन बैठ गए हैं अपनी थार में और घर के लिए रवाना हो गए हैं भाई। साफ सुथरी गाड़ी में बैठने का क्या ही फील आता है, ऐसा लग रहा है बिल्कुल अभी नई निकाल के लाया हमें शोरूम से। देख रहे हो हर चीज़ इतनी जो है साफ सी लगती है। तो भाई ये बढ़िया लगता है यार, देखो साफ सुथरी गाड़ी का तो मज़ा बहुत सही है, लेकिन पैसे बहुत लगते हैं। एक बारी के जो है पैसे हमारे 300 रुपये फूक जाते हैं। तो देखते हैं कुछ अपना घर पर जुगाड़ करेंगे यार धोने धाने का, सोच रहा हूँ इसी का काम कर लूँ। जॉब वॉब तो चली जाएगी सब भाड़ में, यही काम करते रहो अपना, मस्त पैसे कमाओ। बाकी देखो भाई अपन फ्लाईओवर पर चढ़ रहे हैं, क्या बोलते हैं इसको यार मोदीपुरम का फ्लाईओवर, हाँ मोदीपुरम के फ्लाईओवर पर चढ़ रहे हैं। इससे फिर वापस हम लोग आना पड़ेगा घर, थोड़ा सा घूम लेंगे यार, थोड़ा सा स्प्रिंट मान लिया मैंने बस। ठीक है आज सपनों पे जो है पानी फिर गया, सोचा था पूरा दिन घर से बाहर रहूँगा घूमूंगा फिरूंगा, बट वापस घर जाना पड़ रहा है। सो सैड माई लाइफ, दुख कम नहीं हो रहे हैं भाई साहब। ठीक है चलो अब घर पर मिल लेंगे। तो भाई रिश्तेदारों से अपन मिल चुके हैं, निकल चुके हैं अपने घर से बाहर। अब प्लान थोड़ा सा चेंज है, अभी मेरे को जाना है मोहित सोम के पास, मेरे एक दोस्त है कॉलेज का, तो वो आज जो है शाम को नोएडा निकल जाएगा। तो पहले से भी कह रहा था कि भाई मैं तेरे से मिलने आऊँगा, बट मैंने कहा चल ठीक है आज मैं आता हूँ तेरे पास तो टेंशन ना ले। तो भाई अभी अपने दोस्त के पास जाते हैं, शास्त्री नगर जाना है अपने को। तो ठीक है यार अभी बस ड्राइव कर रहा हूँ, ज़्यादा कुछ है नहीं कहने को, वहीं पे चलते हैं, वहाँ पे अपना देखते हैं क्या क्या होता है। कुछ खाएंगे पियेंगे यार बाहर का, कुछ तो खाऊंगा पक्की बात है, बाकी देखा जाएगा हेल्थ का जो भी है। ठीक है चलो भाई सामने देखो जीप कंपास जा रही है वो देखो, और कितनी छोटी लग रही है भाई थार के आगे, मैं इतना ऊंचा फील कर रहा हूँ ना इसके आगे कि भाई क्या ही है ये, ऐसा लग रहा है मारुति की गाड़ी हो। दिस इज द पावर ऑफ महिंद्रा थार, आपको इस गाड़ी के आगे भाई सारी गाड़ियाँ ऐसी छोटी छोटी सी लगती हैं कि जैसे कोई बच्चे घूम रहे हो। नाइस महिंद्रा, नाइस नाइस कार। आजा फ्रेश एयर लेके आते हैं ना, यही तो है चीज। शीशे चढ़ा दे ऊपर, लॉक कर दियो गाड़ी, कहीं जाने दो दूर, अंदर जाएंगे ना।
चलो चाचा बस और क्या। तो भाई लोग अभी हम लोग हैं चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में और ये भाई पता नहीं कहाँ ही जंगलों में लेके जा रहा है मेरे को इनटू द वुड्स भाई। तो उसकी थ्योरी ये है कि भाई जितने भी थार वाले होते हैं वो एडवेंचरस चीज़ें करते हैं ऐसी ऐसी। तो ठीक है भाई जैसे जैसे भाई ये जा रहा हम लोग। नहीं वो तेरे लिए भी अच्छा है क्योंकि यू हैव बीन थ्रू सर्जरी ना, तो तेरे को फ्रेश एयर जरूरी है। फ्रेश एयर यहाँ मिल रही है सूखे पत्तों में। लंबी सांस ले सूखे पत्तों में। सूखे पत्ते कहाँ, ग्रीन भी नहीं दिख रही। ओह फक नो फक यार वरना फिर एडिटिंग में काटना पड़ेगा मेरे को। भाई कहीं तो डोल रहे हैं, क्यों डोल रहे हैं ये नहीं पता बस मुझे, देखते हैं कैसा होता है। चलो फिर एक काम करो मैं तो लेट हो जाऊंगा थोड़ा सा। ये भाई मेरे को लग जाएगा अभी आधा घंटा क्योंकि अभी तक तो इससे बात ही कर रहा था मैं, अब ये कह रहा कुछ खाना भी है मेरे को। नहीं ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, मैं घर जा ही खाऊंगा वैसे, कुछ मिलने का नहीं मेरे को। देख ले तू। ठीक है भैया मैं खुद पहुंच जाऊंगा, मैं खुद पहुंच। सो गाइस राइट नाउ आई एम ऑन द रोड और भाई अभी अपन जा रहे हैं घर की तरफ क्योंकि यार देखो पूरा दिन निकल गया ऐसे ही बस इधर उधर घूमने में, दोस्तों के साथ घूम फिर लिए, मोहित से मिल लिए, सब कुछ है, लेकिन अब घर जाना ज़रूरी है क्योंकि मेरे को लग रही है भूख और बाहर का मैं खा नहीं सकता हूँ। सो नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो भाई मेरी हेल्थ अपडेट के लिए होगी कि मैं एक्चुअली मेरे साथ हुआ क्या है और क्यों मैं जो है सब चीज़ें आपको बोलता रहता हूँ कि मेरी हेल्थ हेल्थ हेल्थ। सो पूरी कहानी एक्सप्लेन करूँगा मैं, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो भाई आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, आई होप आपको थोड़ा बहुत तो पसंद आया होगा, ज़्यादा कुछ था नहीं बट हम लोग ऐसे बस घूमे फिरे हैं। तो अगर कुछ भी पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो कर लाइक, चैनल कर सब्सक्राइब और शेयर करो मेरे दोस्तों से। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। ड्राइव करता हूँ, घर पहुँचता हूँ, फिर नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। चलो बाय बाय गाइज़।